मनुष्य को ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। जो समय ताश में लगाते हैं वही समय एकांत में बैठ करके ध्यान में लगा। जो समय ताश में लगाते हैं वही समय बच्चे को पढ़ाने में लगाए। जो समय ताश में लगाते हैं किसी सज्जन पुरुष के साथ में बैठ करके कुछ सीखिए। संग का भी रंग चढ़ता है। अभी लोहा है लोहा ने बढ़िया आदमी का संगति किया तब नहीं स्टैंड बना। गलत आदमी की संगति में रहते तो थ्री नट बनते कि नहीं थ्री नट। जो समय ताश में लगाते हैं घर में रामचरितमानस रखिए, गीता रखिए, शांति संदेश मंगाइए, श्रीमद् भागवत महापुराण रखिए, कबीर बीजक रखिए, गुरु महाराज की पदावली रखिए, पढ़िए, समझिए औरों को भी समझाइए। ताश खेलने वाले आदमी समाज को बिगाड़ते हैं। ताश खेले जे चार आदमी देखे तो 12 13 आदमी कोई न देखे जे कोई न देखे जे कोई न देखे जे नीचा फेंक जे चिड़िया देखे लग जो चिड़िया दल भव मारा ठिकरी ने मारा पाट हर तय जितने निचला धड़कन तेज हो जे देखे। एक जगह बापी ताश खेले रे बेटों खेल के बापा मारो कुल मां कुल मां तू हो ना बापा के जब पूछे मेटा नहला नहीं है कि ले पहले कुल मां गिराई जाए 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 बेटों के मारो कुल मां बापा के जब मेटा लग तो बेटों के हर भो हरी दीपी कर जब रो बाप ने सुधार ले वो बेटा कपार सुधरता है। विचार जीवन में चाहिए सबसे पहले हम सुधरे। ताश खेलने वाले आदमी गधा बाबा बाद वही पुरुष है जो निर्दयी है जिसके हृदय में दया नहीं है। अपने शरीर के मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस खाते हैं वह मनुष्य नहीं है वह बाघ है। मांस मदिरा सेवन करे जो लंपट में समय बिताता है पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। रावण के भाई कुंभकर्ण भैंसा का मांस खाकर 6 महीना तक सोए रहते थे। आज भी मांस खाकर मछली खाकर शराब पीकर जो आदमी 9 बजे 10 बजे 3 तक सोए रहते हैं वह भी कुंभकर्ण का चचेरा भाई है। हर आदमी को 4 बजे भोर में जग जाना चाहिए। गुरु महाराज से शिक्षा लिए कर 4 बजे भोर में जग जाइए और सुमिरन भजन भगवान श्री राम ही ठिकान बखान ये भोजन है मनुष्य का। कबीर साहब कहते हैं कि जो नर मछली खाता है मुंडी पूछ सही वह नर नरक में जाएगा नंगी पूछ समेत। सज्जनों मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग्य से भगवान राम इस शरीर कि महिमा का बखान करते थे कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, किस लिए मिला है? भजन करने के। जो राम का भजन करेंगे तो समझ जाइए मनुष्य शरीर जो मिला है वह सार्थक होगा। माता पार्वती भोला बाबा से बोली, पतिदेव आपको कौन आदमी अच्छा लगता है? जो पढ़ा लिखा हो, देखने में सुंदर हो, अड़बड़ खड़बड़ के मालिक हो, वह आदमी अच्छा लगता है क्या? भोला बाबा ने कहा नहीं। राम उपासक जे जग माही, राम उपासक जे जग माही, राम उपासक।